भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद रवि किशन की खबर से तो सबकी सांसें ही रुक गईं। रवि किशन ने कुछ ऐसा कहा कि पूरी इंडस्ट्री को धक्का लग गया। दरअसल रवि किशन ने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है, एक ऐसा फैसला जिसके बाद तो इंडस्ट्री में हड़कंप भी मच गया। लोग अपनी लाचारी के बारे में सोचने लगे। भले ही लोग इस फैसले के बाद लाचार महसूस करें, लेकिन रवि का ये फैसला एक अच्छी शिक्षा भी है। रवि ने गलत सोच और गलत काम पर रोक लगाने की कोशिश भी की है। आप भी इस फैसले के बाद अपनी राय जरूर देना चाहेंगे। दरअसल रवि ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सहित उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लील कंटेंट बैन करने की मांग की है। रवि का कहना है कि ऐसे कंटेंट की वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, लोग गलत सोच की तरफ जाते हैं, बच्चों और परिवार पर बुरा असर पड़ता है, लोग अपने परिवार के साथ इन फिल्मों को देख नहीं सकते। जो बात पहले थी एक साथ फिल्में देखने की, वो अब खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं इन अश्लील कंटेंट की वजह से परिवार अलग होता जा रहा है, लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं और शायद परंपरा भी खत्म होती जा रही है। नहीं, ऐसे कंटेंट की वजह से कई फिल्मों का फायदा भी हुआ है। मेकर्स अपने फायदे के लिए बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नई जनरेशन पर बुरा असर देखा जा रहा है और सब कुछ इंडस्ट्री में खत्म होता जा रहा है। रवि की इस खबर के बाद कई मेकर्स और स्टार्स को झटका लग गया कि अगर ऐसा कंटेंट यूज नहीं किया गया तो फिल्में टॉप पर नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि आज के लोग ऐसे ही फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं और सब पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए रवि के इस फैसले पर कई लोग निराश भी हैं, क्योंकि उनके करियर और कमाई का भी सवाल है। अगर ये फैसला मंजूर हुआ तो सबकी सांसें अटक जाएंगी, और अगर नहीं हुआ तो रवि तो उस फिल्म में या गाने में काम ही नहीं करेंगे जिसमें ऐसा कंटेंट इस्तेमाल किया जाएगा। पहले आप रवि के इस फैसले के साथ हैं या फिर लोगों की कमाई के साथ, आप भी अपनी राय जरूर दें, क्योंकि ये सवाल आपके बच्चे और परिवार पर भी डिपेंड करता है। रवि किशन खुद लगभग 3 दशकों से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए हैं। भोजपुरी के अलावा एक्टर को कई हिंदी फिल्मों में भी देखा गया। 2019 में रवि किशन को लोकसभा में सांसद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ये एक्टर अक्सर सिनेमा से जुड़ी इम्पोर्टेंट खबरों पर बात करते हैं। रवि किशन ने सांसद में भोजपुरी भाषा को भी अहमियत दी है। भोजपुरी को 8 भाषाओं की अनुसूची में शामिल करने के लिए रवि किशन ने निजी सदस्यों के कानून के माध्यम के सांसद में एक विधायक भी लेकर आए हैं। रवि किशन ने कहा, एक अभिनेता के तौर पर मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री में अच्छा कंटेंट पेश किया जाए। ये देखकर काफी दुख होता है कि इंडस्ट्री में इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसे केवल कंटेंट देखे जाते हैं और उन्हीं को याद किया जाता है। जिस तरह बंगाली फिल्म इंडस्ट्री ने कई पुरस्कार जीते हैं और ऑस्कर तक पहुंच गए हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी इंडस्ट्री भी किसी दिन ऐसा ही मुकाम हासिल करेगी। वेल, आप रवि किशन के साथ हैं तो उनके सपोर्ट में एक मैसेज जरूर दें। हाल ही में अनुपम खेर की पत्नी और एक्ट्रेस किरण खेर ने बताया था कि वो कैंसर से संक्रमित हैं और इलाज चल रहा है। किरण के कैंसर की खबर सुनकर इंडस्ट्री में हलचल मच गई। कुछ लोग तो दुआएं करते दिखे, कुछ लोग किरण खेर को लेकर अफवाहें फैलाते भी दिखे, लेकिन अनुपम खेर ने सब कुछ क्लियर कर दिया था। खैर, अब किरण खेर बिल्कुल ठीक हैं और आज तो अपने पति के साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। जी हाँ, आज किरण खेर का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर कुछ अनकही कहानी बताने जा रहे हैं। किरण खेर का जन्म एक सिख परिवार में 14 जून 1955 को पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था। किरण ने अपनी स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ से ही की थी। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से उन्होंने पढ़ाई शुरू की। उनकी 2 बहनें और भाई था। उनके भाई अमरदीप का 2003 में एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उनकी बहन कंबल ठक्कर कौर, जो कि एक अर्जुन अवार्ड विनर बैडमिंटन खिलाड़ी है, और किरण चंडीगढ़ सदस्यीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। किरण खेर की करियर की शुरुआत हुई पंजाबी फिल्म आसरा प्यार दा से। ये फिल्म 1983 में आई थी। इसके बाद वो 1966 में श्याम बेनेगल की फिल्म सरदारी बेगम में नजर आई थी। वो खूबसूरत, दोस्ताना, फना, वीर जरा, मैं हूं ना, देवदास जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। किरण कई टीवी रियलिटी शोज में जज भी रह चुकी हैं।
किरण कपूर की पहली शादी गौतम बेरी से हुई थी जो कि एक बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी ये शादी कुछ ही साल चली, उसके बाद दोनों के बीच तलाक हो गया। गौतम से तलाक लेने के बाद किरण ने अपने को स्टार अनुपम खेर से शादी रचा ली। किरण का एक बेटा भी है जिसका नाम सिकंदर खेर है। अनुपम खेर के साथ किरण खेर की मुलाकात 1974 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया थिएटर में हुई थी, लेकिन यहाँ से दोनों के रास्ते कुछ समय के लिए अलग हो गए थे। किरण खेर ने शादी कर ली और अनुपम खेर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया, लेकिन वक्त का पहिया दोनों को फिर आमने सामने ले आया। 1985 में किरण खेर के पहले पति से तलाक हो गया, उन्होंने अनुपम खेर के साथ शादी रचा ली। मीडिया रिपोर्ट की माने तो किरण को अनुपम खेर से प्यार तब हुआ जब अपने पहले पति गौतम बेरी से शादीशुदा लाइफ जी रही थी। रिपोर्ट की माने किरण खेर ने अनुपम खेर के लिए अपने पहले पति गौतम बेरी को तलाक दे दिया था। वेल, आप किरण खेर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर काफी वक्त से अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर परेशान हैं और उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। अनुपम अपनी पत्नी को बचाने में पूरी जी जान लगा रहे हैं। अनुपम खेर किरण खेर की कैंसर की बीमारी से नहीं डर रहे हैं, बल्कि देश दुनिया में फैली खतरनाक बीमारी से डरे बैठे हैं। उन्हें यकीन है कि वो किरण को कैंसर से तो बचा लेंगे, लेकिन पता नहीं ये बीमारी क्या करेगी, कहीं ये बीमारी किरण को नुकसान न पहुंचा दे। आज फिर अनुपम खेर ने पत्नी की हेल्थ अपडेट दी है। अनुपम खेर ने फैंस और शुभचिंतकों को बताया कि किरण की तबीयत अब पहले से ठीक है। हाल ही में उनके बारे में बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा था कि किरण की कैंसर से जंग मुश्किल है, लेकिन उनकी हालत बेहतर है। किरण का मुंबई में इलाज चल रहा है। कुछ दिनों पहले वो वैक्सीनेशन के दौरान इलाज के बाद पहली बार लोगों के सामने भी आई थी। अब उनके स्वास्थ्य के बारे में अनुपम खेर ने एक बार फिर जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डी नोरा भी उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में बार बार पूछते रहते हैं। अनुपम खेर ने पिछले दिनों महामारी के दौरान लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिलने पर नाराजगी भी जताई थी। हालांकि अब उनका कहना है कि लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए कुछ करना चाहिए। अनुपम खेर ने कहा कि ऐसी परेशानी के वक्त पूरे समाज को डट कर सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी मैं अपने चारों तरफ वायरस की दूसरी लहर देखता हूं, तो सोचता हूं कि ये या तो मेरे से कोई व्यक्ति गुस्सा होकर हताश है या असहाय महसूस कर सकता है, या जिन लोगों को उपकरणों मेडिसिन जैसी सुविधाओं की जरूरत है उनकी मदद ही कर सकता हूं। हर कोई किसी न किसी तरह की इस महामारी का सामना कर रहा है। मैंने अपनी एक पुरानी दोस्त सुजाता को खो दिया है, उनकी किडनी फेल हो गई थी। मेरा परिवार पिछले साल संक्रमित हो गया था। अनुपम खेर अपनी तरफ से लोगों की मदद में जुटे हुए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों को मेंटल इश्यूज का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें लोगों को मदद मिल सके। वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछले साल अनुपम खेर अपने एक अमेरिका शो की शूटिंग कर रहे थे, मगर इस साल की सिचुएशन को देखते उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। अनुपम ने बताया कि अभी उन्होंने कश्मीर फाइल्स नौटंकी और सूरज की अगली फिल्म साइन की है।